हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको गप्पी फिशेस का ब्रीडिंग करना है तो आप लोग कैसे बहुत ही इजीली अपने घर पे कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे मैं अपने घर पे गप्पी फिश का ब्रीडिंग करता हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, बात करते हैं गप्पे फिश के बारे में। ये जो गप्पे फिश होती है ये सबसे ज्यादा इजी फिश होती है ब्रीड करने में, क्योंकि ये जो फिश है बहुत ही इजीली ब्रीड कर जाती है। उसके साथ ही साथ एवरी 40 डेज, एवरी 50 डेज के अंदर में ये आपको ढेर सारा प्राइस भी दे सकती है। लेकिन उसके लिए एनवायरमेंट जो है टैंक का वो सही रहना चाहिए। अगर सब कुछ सही रहेगा तो एवरी 40 डेज के अंदर में एक गप्पे फिश जो कंटिन्यूसली ब्रीड करेगी और आपको ढेर सारा प्राइस देगी। उसके साथ ही साथ इस फिश को ब्रीड करना भी बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप एक न्यू हॉबिस्ट है, फर्स्ट टाइम भी ब्रीड कर रहे हैं, तब भी आप इस फिश को बहुत ही इजीली ब्रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फिश है ये डायरेक्टली फ्राइज को बर्थ देती है। इसलिए भी इस फिश को ब्रीड करना बहुत ही ज्यादा इजी है घर पे। तो अब चलिए बात करते हैं हम लोग गप्पे फिश को कैसे ब्रीड करना। तो सबसे पहले तो आपको कुछ गप्पे फिश मेल एंड फीमेल लेके आना होगा। उसका जो रेशियो है वो मैं एक वीडियो पे डिस्कस कर दिया हूँ, वो वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो को आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया हूँ अगर आपका कितना बड़ा टैंक है तो कितना गप्पे फिश बाय करना है, अगर एक छोटा टैंक पे कर रहे हैं तो आप लोग कितना गप्पे फिश बाय करना, इसलिए वो वीडियो को जरूर से देखिएगा। अब आप गप्पे फिश बाय करके लेके आ गए, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैं अपने टैंक में करता हूँ, मैं पहले आपको बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ। जो भी गप्पे फिश मैं बाय करके लाता हूँ उसको इस टैंक में डाल देता हूँ। यहाँ पर वो जो गप्पे फिश है वो ब्रीड करती है। ब्रीड करने के बाद विद इन 10 to 15 days उसका जो बेली है वो धीरे धीरे स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है। जब मुझे समझ में आ जाता है अच्छा ये जो गप्पे फिश है वो बहुत जल्द बर्थ देने वाली है, उसको मैं फिर क्या करता हूँ अपने नेक्स्ट जो टैंक है उसमें शिफ्ट कर देता हूँ। वहां पर वो 10 to 15 days रहती है, उसके बाद वो बहुत सारा फ्राइज को बर्थ देती है। जस्ट बर्थ के बाद में फिर वहां से वो जो भी मदर मौली फिश है या फिर गप्पे फिश है उसको फिर वहां से मैं शिफ्ट करके इस टैंक में वापस डाल देता हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद वो जो भी गप्पे फिश है वो ब्रीड करती है। ब्रीड करने के बाद वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है, बेली जो उसका बड़ा हो जाता है, तब उसको फिर से मैं वापस इसमें डालता हूँ। यहाँ पर वो फिर से बर्थ देती है। फिर बर्थ के बाद में वो जो भी गप्पे फिश है वो फिर वापस अपने कम्युनिटी टैंक में आ जाती है, और ये जो साइकिल ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो ऐसे करते हुए धीरे धीरे करके मेरा जो ये टैंक है इसमें आपको बहुत सारा फ्राइज हो जाता है। धीरे धीरे करके बहुत सारा मैं फ्राइज जो है वो वाले टैंक में कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद उसको मैं वहीं रहने देता हूँ थोड़ा दिन, 10 to 15 days के लिए वहीं रहता है। वहां पर मैं अच्छे से फीड वगैरह वो लोग को देता हूँ, वो लोग फिर बहुत बड़ा ग्रो कर जाता है। ग्रो करने के बाद उसको मैं अपने नेक्स्ट 3 feet के टैंक में, जो यहाँ पर नहीं है उसको मैं अपने 3 feet के टैंक में डाल देता हूँ। वहां पर वो विद इन 10 days, 15 days, 20 days के अंदर में अडल्ट हो जाता है, जिसको मैं फिर वापस किसी फिश शॉप वगैरह में दे देता हूँ। तो ऐसे करके ये जो मेरा साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलते रहता है, और यहाँ पर मुझे बहुत सारा फ्राइज मिलता है, जो कि आप वीडियोस वगैरह में भी अभी देख रहे हैं। यहाँ पर आप जितना सब भी फ्राइज देख रहे हैं ये सारा ही मेरा गप्पे फिशेस का फ्राइज है, जो कि इतना बड़ा भी हो चुका है। ये अभी भी अडल्ट नहीं हुआ है, इसको इस टैंक में अभी भी कम से कम 10 to 15 days रहना होगा। 10 to 15 days के बाद ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट अपने फिश शॉप वगैरह पे दे दूंगा। तो ऐसे करके ये जो साइकिल है मेरा कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ये जो 3 aquarium का साइकिल है, ये 3 aquarium का साइकिल में ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है, और एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे बहुत ही इजीली 150-200 गप्पे फिश का फ्राइज जो रेडी हो चुका है, वो सारा फ्राइज मेरा जो ग्रो हो चुका है वो सारा फ्राइज या फिर फिशेज आप बोल सकते हैं वो मेरा रेडी हो जाता है पर मंथ में। और इस टैंक में भी मुझे बहुत ही ज्यादा अपना एफर्ट वगैरह नहीं लगाना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली वो लोग अपने ही करती है। बस मुझे टाइम टू टाइम इन लोगों का वाटर चेंज करना पड़ता है, फूडिंग्स वगैरह टाइम पे देना होता है, बस उसके बाद आपको बहुत सारा फ्राइज देखने को मिलेगा अगर आप सही टैंक सेटअप कर लेते हो तो। क्योंकि मेरा आप जैसे टैंक देख रहे हैं कंप्लीटली प्लांटेड है, तो इसलिए मुझे भी बहुत ही कम मेहनत करना पड़ता है प्लांटेड टैंक पे। और अगर आपके पास इतना सारा टैंक नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, तो आप क्या कीजिए अपना एक कम्युनिटी टैंक बनाइए जिसमें ढेर सारा गप्पे फिश डाल के रखे हैं। वो क्या करेगा, वो वहां पर ब्रीडिंग वगैरह होगा, ब्रीडिंग के जस्ट बाद में जो भी आपकी गप्पे फिश है जो बर्थ देने वाली है उसका आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। बेली को देख के बेली जो वो बहुत बड़ा डी शेप का हो जाएगा, जिसका मतलब कि आपकी जो गप्पे फिश है वो बहुत जल्द बर्थ देने वाली है। उसके बाद उस गप्पे फिश को आप क्या कीजिए किसी दूसरे टैंक वगैरह पे शिफ्ट कर दीजिए। जैसे ही वो बर्थ देती है उसके बाद फिर उसको वापस अपने कम्युनिटी टैंक में डाल दीजिए।
फ्राइज को उस टाइम में थोड़ा दिन के लिए रहने दीजिए, मिनिमम भी 10 to 15 days के लिए। 10 to 15 days में आप देखिएगा आपकी जो फ्राइज है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो हो जाएगी। उसके बाद वो सारी फ्राइज को अपना आप कम्युनिटी टैंक में डालिए। पहले ही डालिएगा तो मे भी हो सकता है आपकी जो अडल्ट गप्पी फिशेज है वो सारी फ्राइज को मार दे, खा ले, डैमेजेस पहुंचाए। इसलिए जो फिश आपकी बर्थ देने वाली है उसको सेपरेट कर दीजिए। बर्थ दे देने के बाद उस मदर मौली फिश को वापस हटा के अपने कम्युनिटी टैंक में डाल दीजिए। फ्राइज को वहीं रहने दीजिए 10 days के लिए। 10 days के अंदर में जो फ्राइज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, अच्छे से स्विम कर पाएगी, और उसके बाद जो भी आपकी दूसरी गप्पी फिशेज है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि वो अब जो है पहले से थोड़ा स्ट्रांग हो चुकी है। तो अगर आप लोग भी न्यू हैं, आप लोग भी अगर ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई छोटा सा फिश पॉन्ड वगैरह है तो आप उस पर भी कर सकते हैं, या फिर आप एक छोटा सा बहुत ही इजिली फिश पॉन्ड वगैरह भी बना सकते हैं, जो कि बस कुछ प्लास्टिक्स वगैरह और आपका ईट वगैरह से बहुत ही इजिली बन जाता है। सही से एक टैंक सेटअप करने के बाद, सही से एक फिश पॉन्ड सेटअप करने के बाद अगर आप कुछ गप्पी फिश बस वहां पर लाके छोड़ देते हैं तो आप देखिएगा कंटिन्यूसली वो लोग बहुत सारा फ्राइज ब्रीड करेंगे, और आप एक टाइम पे आके एकदम फेडअप हो जाएगा वो सारे फ्राइज से। धीरे धीरे करके आपको बहुत सारा चीज उससे सीखने को भी मिलेगा, बहुत सारा आपका जो न्यू एक्सपीरियंस है जो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जैसे कि डिजीजेस क्या क्या हो जाता है गप्पे फिश को, या फिर एक प्रेग्नेंट मौली फिश उसको हम कैसे देख के समझ सकते हैं कब बर्थ देने वाले। तो ये जो एक्सपीरियंस ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहता है, इससे आप बहुत सारे चीज सीखते हैं अपने फिश के बारे में, जो कि आप आगे किसी को बता सकते हैं, जो कि मैं भी करता हूँ। ये जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है। और अगर आप भी सोच रहे गप्पे फिश का ब्रीडिंग करना तो मैं आप लोगों को जरूर से रिकमेंड करूंगा, आप लोग जरूर से कीजिएगा, क्योंकि ये जो करना है इससे आपको एक्सपीरियंस जो मिलेगा, जो हैप्पीनेस मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा। उसके साथ ही साथ अगर गप्पे फिश से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो मेरा लाइन से बहुत सारा वीडियोज है गप्पे फिश के बारे में, वो सारा वीडियोज को भी आप देख सकते हैं, वो सारे वीडियो से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है फिश रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको जो मेरा रिप्लाई है वो हमेशा की तरह इंस्टेंटली मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी, और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।